Okay, so in continuation with the chemical properties of alcohol, आपको क्या कहा था हमने कि PX3 के लिए रिएक्शन, PBr3 की रिएक्शन और PR5 की रिएक्शन. अब PX5 की रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग. दिस इज ओवर, करेक्ट? यू हैव डन दिस असाइनमेंट पार्ट, लिटिल पार्ट. नाउ PX5, टेक एल्कोहल C2H5OH, react with PCl5. What product we are going to get? Ethyl chloride C2H5Cl plus POCl3. और क्या जाएगा साइड प्रोडक्ट? HCl. So this is the reaction with PCl5. इसी में एक और रिएक्शन है PX3, PX5 और उसके बाद एक और रिएक्शन क्या है? थायोनिल क्लोराइड. क्या फॉर्मूला है थायोनिल क्लोराइड? SOCl2. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थायोनिल क्लोराइड? एग्जाम में अगर दूसरे नोमेनक्लेचर से पूछा तो फॉस्फो, ये क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सल्फर है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. तो थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सो लेट अस टेक रिएक्शन विद फॉस्फो सल्फोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड. सो वी टेक अगेन C2H5OH प्लस SOCl2. इसकी कंडीशन बोल दो, याद हो गई है हमको कंडीशन? इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन और पिरिडीन. तो पाइरिडीन हमने लिया यहां पर एंड रिएक्टेड विद थायोनिल क्लोराइड, वी गेट C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl. तो दिस इज द बेस्ट मेथड. ये पढ़े थे हमने हैलोजन डेरिवेटिव में. व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड? बिकॉज SO2 गेट लिबरेटेड, HCl गेट लिबरेटेड एंड वी लेफ्ट ओनली विद द अल्काइल क्लोराइड हियर. सो देयरफॉर एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन giving ethyl chloride is the best method for the preparation of alkyl chloride. So we had seen the first reaction where breaking of CO bond takes place. Breaking of CO bond. This involves the first reaction. और वो first reaction क्या पढ़ा हमने अभी? Action of PX3, PX5 and thionyl chloride. Now, इसी से breaking of CO bond से related second reaction, ये B part है, B part की second reaction. And second reaction रहेगी dehydration of alcohols. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये तो आता है आपको. एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से क्या मिलने वाला है? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से आपको मिलेगा अल्कीन्स. तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा अल्कीन्स. लेट अस डू दिस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. देखते हैं उसमें CO बॉन्ड होता है क्या ब्रेकिंग. अब इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, डिफरेंट रिएक्शन. लेट अस टेक प्राइमरी अल्कोहल एज एन इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH. इथाइल अल्कोहल, इट इज टू बी कैरिड आउट, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट By using 90%, 95% H2SO4 at 443 Kelvin. और कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एट 623 Kelvin. So when these two condition, out of these two, any one condition is applied,
We have taken ethyl alcohol, correct? Dehydration करना है, removal of water molecule. तो चलिए ये water molecule remove किया, यहां से water molecule remove किया दोनों कार्बन के बीच में से, तो क्या जाएगा? ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. क्या अल्कीन है ना, अल्कीन इज व्हाट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, तो ये बन गया डबल बॉन्ड एंड हियर इज H2O, सो वी गेट ईथीन. सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग 95% H2SO4 एट 443 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिना एट 623 केल्विन अंडरगो डिहाइड्रेशन गिविंग एन एल्कीन. दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल. लेट अस टेक फॉर सेकेंडरी अल्कोहल. अब सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल हमें पता है, प्रोपेन टू ऑल, तो ये ले लिया हमने प्रोपेन टू ऑल, इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल. Propane to all, and now carry out its dehydration. Dehydration में क्या करना है फिर से हमको? We will take sulfuric acid, but as it is more reactive, it requires lower concentration of sulfuric acid, 60% sulfuric acid at a temperature of 375 Kelvin, at a temperature of 375 or 373 Kelvin. So this is the range between this 60% or in presence of catalyst like alumina Al2O3, temperature 523 Kelvin, again dehydration takes place. Dehydration means removal of water molecule. तो आपने यहां से water molecule remove किया from carbon number 1, 2. We have removed water molecule, so double bond comes between carbon number 1 and 2. So what we get here is CH3. है क्या ये CH3 वैसा ही है पूरा? Then what we get here is CH डबल बॉन्ड CH2. तो आपको यहां पर ये क्या मिल गया, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. तो क्या कंडीशन आ गई है? प्राइमरी अल्कोहल के लिए 95% सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 60% सल्फ्यूरिक एसिड और कैटलिस्ट एल्यूमिना will give alkene. So dehydration of alcohols will provide alkenes. आपने primary देख लिया, secondary देख लिया, now let us move to tertiary alcohol. इसका भी dehydration देख लेते हैं. Tertiary alcohol का dehydration, so take the formula of tertiary alcohol. We will write it in a very different manner, है ना? अब देखिए क्या डिफरेंस है लिखने में, क्या अपने को थोड़ा प्रिकॉशन लेना है. तो ये है टर्शियरी कार्बन, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन. यहां पर क्या आना चाहिए? CH3. तो ये CH3 को हमने थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में ले लिया अलग से. अब इसका डिहाइड्रेशन करना है तो इसके लिए लगेगा 20% H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 365 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एट 423 केल्विन. अगेन डिहाइड्रेशन, ये रिमूवल, तो डबल बॉन्ड भी कहां आएगा? ये दोनों के बीच में. तो प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2 plus H2O. What is the name of this compound? Common name 1, 2, 3, 4. Iso position में this is isobutylene.
आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं आप टू मिथाइल प्रोपीन, और इस आईयूपीएसी नेम टू मिथाइल प्रोपीन, सो टू मिथाइल प्रोपीन इज द अदर नेम ऑफ इट। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्कीन, सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन गिव्स अल्कीन, टर्शियरी अल्कोहल क्या लिया आपने यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस विल प्रोवाइड अगेन अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन विल लीड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। कंडीशन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ अब इसी रिएक्शन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या पढ़ना है अपने को, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल है अगर आप उसको डायरेक्टली समझना चाहते हैं। देखिए क्या होगा मैकेनिज्म में, वी विल दिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हम क्या करते हैं, यहां लेते हैं ये एल्कोहल, देखिए स्टेप लिखाता हूं मैं, पहले एल्कोहल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओके। तो ये एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, ओके, ये OH, तो बन गया ये CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल। स्टेप वन क्या रहेगा इसमें, स्टेप वन रहेगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन स्टेप वन, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन के लिए प्रोटॉन कहां से आने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपने ये प्रोटॉन ले लिया है ना, दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन मिला कहां से, एसिड से, फ्रॉम एसिड वी गेट दिस प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन अटैक करेगा, अटैक कहां कर सकता है, कहां पॉसिबल है, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, दो नेगेटिव, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रोटॉन अटैक करेगा यहां पर, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 प्रोटोनेशन कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट है, तो ये HH, और यहां पर अभी देखिए आपने क्या किया, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन किया, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो गया, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो गया, और ये ट्राइवेलेंट होने से ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्लीज सी हियर प्रोटोनेटेड एल्कोहल, करेक्ट है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, वी गेट प्रोटोनेटेड एल्कोहल, स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू में क्या लिखने वाले हैं, अब हम उसमें वी विल कैरी आउट स्लो डिसोसिएशन दैट इज डिहाइड्रेशन, स्टेप टू, स्टेप टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और आप मुझे बताएंगे अब मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगा तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फिर से लिखते हैं स्ट्रक्चर CH3CH2, अब कहां पर आ गया प्रोटोनेटेड वाला पोर्शन, ये देखिए ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, इसका स्लो डिसोसिएशन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो डिसोसिएशन, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, यहां से आप इसको रिमूव करो, डिहाइड्रेशन करो, डिहाइड्रेशन किया स्लो डिसोसिएशन में, तो प्रोडक्ट क्या दिख रहा है जरा देखेंगे आप, अच्छे से क्लियर दिख रहा है सभी को, यहां देखेंगे, यस प्लीज, चलो जी, क्या इसमें कमी रह गई, व्हाट मोर वी हैव टू ऐड इन दिस डिसोसिएशन प्रोडक्ट, है ना,
ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना यहाँ पर कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो स्टेप टू में क्या किया, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इनटू कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन आ गया, स्टेप टू बन गया आपका कार्बोकेटायन आ गया। अब स्टेप थ्री में क्या करना होगा, स्टेप थ्री में इजी है, अब आपको अपना टारगेट क्या है, अल्कीन मिलना चाहिए, तो अब इसको अल्कीन में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में कन्वर्ट करना है कार्बोकेटायन को। फिर से लिख देता हूं एक बार क्लियरिटी के लिए, तो ये लिखा मैंने आपका कार्बोकेटायन, इसका डी प्रोटोनेशन कर दो, प्रोटॉन लिया था प्रोटॉन वापस करना पड़ेगा, तो कौन सा स्टेप रहेगा, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, लेट अस कैरी आउट दिस डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, यहां से प्रोटॉन रिमूव कर दो, और जैसे ही आपने प्रोटॉन रिमूव किया तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आ गया अल्कीन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोटॉन गेट एलिमिनेटेड, डी प्रोटोनेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, थ्री स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, स्टेप टू पे क्या किया आपने, स्लो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इनटू कार्बोकेटायन आ गया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, और थर्ड स्टेप में क्या किया, डी प्रोटोनेशन कर दिया, डी प्रोटोनेशन किया तो आपको यहाँ पर अल्कीन मिल गया इथीन, और बच गया आपके पास में ये प्रोटोन। तो मैकेनिज्म भी कवर हो गया काय का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, उसकी ये सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके कम ऑन टेक डाउन, ओके so after taking this second reaction dehydration of alcohol and its mechanism we'll continue our next lecture। तो बेटा क्या हो गया अपना, ये second part पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, reactions involving breaking of CO bond, उसमें first क्या पढ़ा, action of PX3 PX5 and thionyl chloride, ये previous chapter में से ये सब reaction है। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा उसमें हमने, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों का डिहाइड्रेशन किया आपने, डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कीन्स, तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है ना, प्राइमरी अल्कोहल के लिए 95% सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 627 केल्विन, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 60% सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना, टर्शियरी के लिए 20% सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना, तो वो सब आपका लिखा हुआ है। और इसमें मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म में कितने स्टेप थे, थ्री स्टेप, स्टेप वन में क्या हो गया, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला, स्टेप टू में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करने से आपको यहां थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करने से आपको प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बोकेटायन। मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप लोगों के रिवीजन के लिए, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, वी गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन मिलने के बाद थर्ड स्टेप क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कीन। तो ये मैकेनिज्म के तीन पार्ट हो गए, थ्री स्टेप, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकेंड डिहाइड्रेशन, स्लो डिहाइड्रेशन गिविंग कार्बोकेटायन, एंड थर्ड इज डी प्रोटोनेशन गिविंग अल्कीन्स।
Now we will move to the third reaction. Third reaction, we are breaking of CO bond involved, and that is oxidation of alcohols. अब alcohols का oxidation, ये reaction हमने पहले पढ़ा था, एक बार उसी का revision हो रहा है फिर से, तो oxidation of primary alcohol. So oxidation of primary alcohol is carried out by using. आप बता सकेंगे मुझे oxidizing agent? Oxidizing agent, what is that? Acidified potassium dichromate, H2SO4 K2Cr2O7, acidified potassium dichromate. Correct? Acidified potassium dichromate. So primary alcohol का oxidation करना है. Let us take primary alcohol as an example. Here we take propyl alcohol, N propyl alcohol. तो propane one all. We take propane one all और उसका oxidation करना है. देखो, तो यहाँ लिया हमने ये propane all, CH3CH2CH2OH. अब इसका ऑक्सीडेशन करना है. ऑक्सीडेशन के लिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर आप क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो. अब इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डेसेंट ऑक्सीजन. आपको एन प्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे, प्रोपेन वन ऑल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड, CH3CH2CHO. व्हाट वी गेट इज प्रोपियोन एल्डिहाइड. अब ये प्रोपियोन एल्डिहाइड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन डायरेक्टली और ऑटोमेटिकली. अंडर दिस कंडीशन दिस प्रोपियोन एल्डिहाइड विल अंडरगो Further oxidation of propionaldehyde will provide what? Carboxylic acid. How many carbon? 3 carbon. तो यहाँ फिर से इसका oxidation और आपको मिल जाएगा CH3CH2COOH. तो what we get is propionic acid. तो बात चल रही है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड. तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा. एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. तो अगर ये रिएक्शन को सिर्फ एल्डिहाइड तक के रोकने का है ना, इफ वी वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन ओनली अप टू हियर, वी हैव टू चेंज दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? वी टेक अगेन प्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH. नाउ कैरी आउट ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग PCC. स्पेशल टाइप ऑफ रिएजेंट PCC. क्या है भाई PCC का नोमेनक्लेचर? PCC का नोमेनक्लेचर है ना, इट इज पाइरिडिनियम क्रोमिल क्लोरोक्रोमेट. पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. यहां लिखू क्या मैं? पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, PCC. ये स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या करेगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहां तक करेगा? सिर्फ एल्डिहाइड तक, उसके बाद का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा. दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्पेशल रिएजेंट, वी कॉल इट एज
PCC. तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देख लिया आपने. तो अगर जनरल ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम बाइक्रोमेट लेते हैं तो पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है. लेकिन अगर यही अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन है ना, इसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड तक के ही रुकने का है तो उसके लिए स्पेशल रिएजेंट लेंगे पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. सो प्रोपियोन एल्डिहाइड पे आके ये ऑक्सीडेशन रुक जाएगा. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. नाउ विल टेक ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इट वॉज क्वाइट सिंपल इन प्राइमरी, बट सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब एक ही फ्री हाइड्रोजन है. एक्टिव हाइड्रोजन कितना है, एक है. प्राइमरी में क्या था, ये प्राइमरी कार्बन है, इसके पास दो फ्री हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन इसका इजी हो जाता. अब सेकेंडरी अल्कोहल में देयर इज ओनली वन फ्री और एक्टिव हाइड्रोजन, सो इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फिर से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4, K2Cr2O7 और Cr, और क्रोमिक ऑक्साइड भी हमने यूज किया था CrO3, या फिर क्या यूज कर सकते हैं PCC. देखिए जी क्या क्या हो रहा है. सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकेंगे. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और CrO3 और PCC. PCC फिर से एक बार, व्हाट इट इज, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. तो ये आपने यूज किया तो आपको मिलेगा कीटोन CH3CO CH3, कीटोन दैट इज एसीटोन. वी गेट कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल. अब टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल, दिस इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, है ना. जस्ट नॉलेज के लिए लिखते हैं यहाँ पर. देखो अभी आप टर्शियरी अल्कोहल, ये लिखा हमने टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला, इस पे है क्या एक्टिव और फ्री हाइड्रोजन, नहीं है, एक भी एक्टिव या फ्री हाइड्रोजन नहीं है. प्राइमरी पे दो एक्टिव हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी पे एक था, टर्शियरी पे एक भी नहीं है. तो नो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, नो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज पॉसिबल, करेक्ट है. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. देन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने किया, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में क्या दिखा हमें कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन विल गिव एसीटोन दैट इज कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल. एंड व्हाट हैपेंस विद द टर्शियरी अल्कोहल, नो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट डज नॉट कैरी any active or free hydrogen atom. Now, oxidation ka ek aur tarika hai. Jisme kya ho raha hai ki aap copper metal ke saath mein high temperature pe react kare. Oxidation with copper metal. Bas thoda sa last reaction. ऑक्सीडेशन विद कॉपर मेटल. तो प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया इथाइल अल्कोहल,
इसे आप कॉपर मेटल के साथ में 573 केल्विन, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दिस विल अंडरगो डी हाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन यानी आप क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने वाले हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। तो आपको यहां पर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO, वी है एसिटल्डिहाइड। जनरल रिएक्शन लिखता हूं, जैसे आपने लिया ये आर सी एच टू ओ एच और उसको कॉपर मेटल से आपने हीट किया, तो अंडर गो डीहाइड्रोजिनेशन विल प्रोवाइड आर सी एच ओ, ये प्राइमरी का हो गया। अब सेकेंडरी के लिए देखते हैं, आर सी एच ओ एच आर ऑन हीटिंग विद कॉपर मेटल वंस अगेन अंडर गो डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड वी गेट हियर कीटो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, वी गेट कीटो। तो देखिए फिर से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन, कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं यहाँ पर, कॉपर एट 573। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के साथ में थोड़ा सा अलग रिएक्शन आ जाएगा, है ना। तो वो टर्शियरी अल्कोहल को एस्ट्रिक्स यहाँ पर मैंने हैशटैग लगा दिया उसको, है ना, हैशटैग लगा दिया, तो अब क्या प्रोडक्ट मिलता है, व्हेन दिस टर्शियरी अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन, नाउ इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये थोड़ा सा नया है यहाँ पर कि टर्शियरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन अंडरगो डिहाइड्रेशन। प्राइमरी सेकेंडरी क्या हो रहे थे, डिहाइड्रोजिनेशन, टर्शियरी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमको पता है एल्कीन, सो दिस विल प्रोवाइड एन एल्कीन, दिस विल प्रोवाइड एन एल्कीन, तो आइसोप्रोपाइल मिलेगा, यस। तो यहां पर आपको मिला एल्कीन, तो ऑक्सीडेशन के लिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट कॉपर मेटल ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो क्विकली क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल एट 573 कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन इज एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हीटेड विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स कीटोन, बट व्हाट इज द चेंज विथ टर्शियरी अल्कोहल, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड प्रोवाइड्स एल्कीन। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू मेक वन फ्लो चार्ट फॉर द रिएक्शंस एंड मेमोरी चार्ट, फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं जब लोड करूंगा तो आप सभी के पास इसके समरी नोट्स बनना चाहिए और इसके फ्लो चार्ट तैयार होना चाहिए। मैं इसका असाइनमेंट डाल रहा हूं और असाइनमेंट मेरे मोबाइल नंबर पे आप सबमिट करने वाले हैं। ये तो आपको दोनों वीडियो लेक्चर जो आज के हैं ये काशीगर सर्किस पे मिलेंगे, और जो असाइनमेंट है वो आप मेरे नंबर पे सबमिट करने वाले हैं। असाइनमेंट मैं आपको करता हूँ SMS, तो वो मुझे सबमिट करेंगे आप, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सो वी हैव कंप्लीटेड अल्कोहल टॉपिक, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद फिनॉल्स, ओके। थैंक यू सो मच।